मुझे पता है कि आपने सबसे पहले क्या नोटिस करा होगा। आप यही सोच रहे ना कि दीदी, ओह माय गॉड, फाइनली आपने अपनी बेडशीट चेंज कर ली है। हाँ गाइस, आपने सही पहचाना। आई नो कि ये वीक बहुत ही फेक और भयाद लग रही है, लेकिन कोई बात नहीं। जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ना, उस दिन है छोटी दिवाली, लेकिन जब तक ये वीडियो आएगा तब तक दिवाली भी आ चुकी होगी। सो हैप्पी दिवाली गाइस। बाल मेरी आंखों में आ रहे हैं तो मैं इनको काट देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, आई एम रियली रियली सॉरी कि मैं 3 हफ्ते बाद में कुछ अपलोड कर रही हूँ। एक्चुअली मैं पिछले हफ्ते इंडिया जाकर आई थी, कुछ घर का और बैंक का काम था, तो उसकी वजह से मैं थोड़ी बिजी थी, लेकिन नाउ आई एम फाइनली बैक। सो गाइज, जैसे कि आप इस वीडियो के टाइटल में देख सकते हैं, आज हम करने वाले 24 आवर्स पिंक चैलेंज। आज हम पिंक कलर के कपड़े पहनेंगे, पिंक कलर का खाना घर पर बना के, सॉरी मम्मा, और उसके बाद में मेरी जिम की भी क्लास है, क्या नाम है उसका, भूपेंद्र जोगी पिलाटेस। ऑनेस्टली अभी मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, क्योंकि यूजुअली जो परंपरा का होता है ना, वो हम हमेशा कमीन स्टोर होम तो क्या कर रहा है, लेकिन ये वाला कमीन स्टोर चैलेंज नहीं होने वाला, तो मुझे नहीं पता करना चाहिए नहीं करना चाहिए आपके हिसाब से। तो ये फालतू की बकवास कम करते हैं, वीडियो के पॉइंट पर जाते हैं। तो सबसे पहले हमें ब्रेकफास्ट करना है। ये रहा मेरा पिंक कलर का ग्लास, बैठ जाओ मम्मा। ये रहा पिंक पिंक दूध, तो अभी हम हमारी ये पिंक कलर का दूध इस पिंक ग्लास में डालते हैं। लेट्स ओपन इट। डोले शोले, वाओ गाइस, सो पिंक गाइस, चीयर्स। ये है पिंक दूध और इसका टेस्ट है व्हाइट दूध जैसा। अच्छा पूरा अच्छा। बाय द वे, मेरे पास ये पिंक कलर की बिस्किट्स भी हैं, इनको ट्राई करते हैं। खत्म, टाटा, बाय बाय। डू यू वांट टू गो आउट? यस। ओके, लेट्स गो आउट। सो गाइस, मैंने मेरा आउटफिट वापस चेंज कर लिया। ये रही सैल्मन कलर की स्वेटर और ये रही मेरी पिंक कलर की पैंट्स। तो अभी हम इसको बाहर घुमाते हैं और इसको वॉक करने के बाद में हम जाएंगे जिम, और जिम के बाद में हम जाएंगे पिंक कैफे में। मैं मेरी वीक भूलने वाली थी। क्या मस्त लग रही हूँ मैं टकली। आई एम रेडी। अभी मंग मंग पेड़ों को पानी दे रहा है, मंग मंग पुप्पू कर रहा है यहाँ पे। ये दिखाना जरूरी है क्या? मस्त गाड़ी। यहाँ पर मंग मंग का फ्रेंड है। हेलो दोस्त, बाहर आना खेलने मेरे साथ। मेरी पॉपर मार्किन को तूने पागल बोला, ये पागल दिखती है लेकिन है नहीं है, भाग यहाँ से। मंग मंग को घर पर छोड़ते हैं, उसके बाद में मैं जिम जाऊंगी। मंग मंग, मुझे बहुत अजीब लग रहा है गाइस। बाय द वे, यहाँ पर रहे नके नके लोग जो अपनी बॉडी शो ऑफ कर रहे हैं। मेरे जिम में जाने के लिए आपको जो फेस रिकॉग्निशन होता है ना, वो वाला करना पड़ता है। जल्दी से वर्कआउट कर लेते हैं और यहाँ से निकल लेते हैं। यहाँ से पिंक छू जाएगा, पिंक ही रहा सा। नहीं, सबसे पहले हम यहाँ पर जो पिलाटेस होता है ना, वो वाला करेंगे। गाइस, मैं इतनी अजीब गरीब फैशन में बाहर जा रही हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को बहुत सारा प्यार देना और लाइक भी करना। वर्कआउट खत्म हो गया और अभी इसके लिए पेपर के साथ जो ये सारा सामान हमने इस्तेमाल कराना है, उसको साफ करना है। चलो अभी वापस घर पर चलते हैं। गाइज, आप प्लीज डरना मत, ये मेरा बिना मेकअप वाला थोबड़ा। अभी अभी मैं नहाकर आई हूँ तो इसलिए इतनी अजीब गरीब दिख रही हूँ। और ये रहा मेरा आउटफिट। तो अभी हम जल्दी से स्किन केयर करते हैं, मेकअप करते हैं और बाहर चलते हैं। उससे पहले हम आंखों के नीचे ये पिंक आई पैच लगाते हैं। 10 मिनट हो गई तो इनको निकाल देते हैं। सनस्क्रीन, मेरा थोबड़ा और भी चमकीला हो गया। स्किन केयर हो गया, अभी हम मेकअप करते हैं। ये वाली फाउंडेशन मैंने इंडिया से ली थी, दिस वन। इतनी भी अच्छी नहीं है लेकिन इतनी बुरी भी नहीं है, बस इसका थोड़ा स्मेल अजीब सा है। मैं आपको मेरी ट्रिक बताती हूँ। तो ये वाला है ब्राउन कलर का और ये वाला है ब्लैक कलर। जब मुझे कोई हैवी मेकअप वगैरह करना पड़ता है तो मैं ये ब्लैक कलर का करती हूँ, लेकिन अगर आपको एक नेचुरल लुक चाहिए ना, तो ये ब्राउन कलर का सबसे बेस्ट होता है। तो ऐसा लग रहा है कि मैंने ब्लैक कलर का लगाया, लेकिन ब्लैक कलर का नहीं है, ब्राउन कलर का है। पिंक लिप टिंट, एक्स्ट्रा लिपस्टिक को आप ऐसे ब्लश की तरह लगा लो। और ये रहा पिंक कलर का परफ्यूम। गाइज, अभी मैं रेडी शेडी हो गई। ये रहा मेरा अजीब गरीब फैशन। मंग मंग मुझे देखकर भाग गया। मंग मंग मुझे ऐसे क्यों देख रहा है जैसे कि मुझे एक पागल कुत्ते ने काटा हो। मस्त है ना गाइस, आप बताना कि आपको कैसा लगा मेरा आज का फैशन। अभी ये पिंक कलर की चप्पल चेंज करते हैं और यहाँ से मुझे लगता है कि जो बूट्स होंगे ना, ये ब्लैक वाले, ये वाले ज्यादा अच्छे लगेंगे, तो ये वाले पहनते हैं। अभी भी रेडी हो गया, मैं भी रेडी हो गई। हम 1 घंटे में वापिस आ जाएंगे, नो टेंशन। नहीं मंग मंग निकल गया बाहर।
कोलकाता में हम जा रहे हैं, वहाँ पर डॉग्स अलाउड नहीं है, इसलिए मैं मोमो को नहीं लेके जा सकती। लेकिन वैसे मैंने मोमो के साथ सुबह बहुत सारा टाइम स्पेंड कर लिया था, तो आई होप कि वो अभी थोड़ा आराम कर रहे, थोड़ा सो जाए। हमारी टैक्सी आ गई गाइस। अभी हम मम्मी को वीडियो कॉल कर रहे हैं, उनका रिएक्शन देखते हैं। हाय मम्मी, अच्छा है ना, मस्त है ना। गाइस हम कैफे पर पहुंच गए बोरा, ये देखो पिंक कैफे। समर इज फॉर फॉलिंग इन लव। सब लोग मुझे अजीब गरीब नजर से देख रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। गाइस मेरा पोपट हो गया, गेस करो। ये जो कैफे है ना वो बंद है, टेक्निकली बंद नहीं होना चाहिए क्योंकि वेबसाइट पर लिखा हुआ था कि आज बंद नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों बंद है। कोई बात नहीं, अभी हम शॉपिंग मॉल जाएंगे क्योंकि मुझे घर पर रोटी सब्जी बनानी है, वो भी पिंक कलर की रोटी। तो उसके लिए हमें आटा चाहिए, तो मैं आपको डायरेक्टली ईमार्ट जो सुपरमार्केट होता है ना वहाँ पर मिलती हूँ। ये रहा ईमार्ट। अबे तूने कभी ब्लैक कलर की मिर्ची देखी है? ये बैंगन जैसी लग रही है। ये जो पिंक कलर की सैलड है ना, इसका कुछ बनाते हैं हम। कम्प्लीटली पिंक नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है चलता है। ये वाला ले लेते हैं हम। यहाँ पर और भी इंडिया का सामान रहा। यहाँ पर हमें स्ट्रॉबेरी पिंक कलर का केक दिखाया, तो ये वाला लेते हैं। ये पिंक कलर का स्ट्रॉबेरी जूस भी ले लेते हैं, ये अच्छा वाला है इसीलिए इतना महंगा है। अभी हमने ये सारा सामान ले लिया, तो इसको पे करते हैं। मेरा क्रेडिट कार्ड भी पिंक कलर का है। गाइस पहचानो कौन है? डोरेमोन। आई थिंक रियल प्रोनाउंसिएशन डोरेमोन होता है, लेकिन क्योंकि हमारा बचपन इटली में गुजरा है ना, तो इटालियन लोग इसको डोरेमोन नहीं डोरेमोन बोलते हैं। गाइस मैंने वापस मेरी फैशन चेंज कर ली है, और अभी हम बनाने वाले हैं लंच, जो कि होने वाली है पिंक कलर की रोटी और दाल। ये वाली हुडी मम्मी ने बनाई थी। मुंग मुंग बैठ गए यहाँ पर, रेडी है खाना खाने के लिए। गाइस पिंक आटा तैयार हो गया है, यहाँ से साफ सफाई कर देते हैं पहले, यहाँ की भी साफ सफाई कर देते हैं। गाइस आटा तैयार हो गया, तो अब इसकी रोटी बनाते हैं। रोटी से धुआं निकलने लग गया। अभी अबे रोटी बना रहे, और अबे ने फर्स्ट बोल रहा है, उसने तेल डाल रहा है इसके ऊपर, देखते हैं कौन ज्यादा गोल रोटी बनाता है। ओके रिजल्ट देखने से पहले गाइस अब प्लीज वीडियो को पॉज करके कमेंट में बताना कि आपके हिसाब से गोल रोटी कौन बनाएगा, या ज्यादा अच्छी रोटी कौन बनाएगा, सेकेगा मैं या फिर अबे। ऑलरेडी रोटी अच्छी लग रही है। रोटी गाइज ये रही मेरी पिंक कलर की रोटी, और ये दाल बहुत ही डरावनी लग रही है, पता नहीं ऐसा लग रहा है कि मैंने किसी का खून मिलाया है इसके अंदर। खाना कैसा है? So tasty, so delicious, just looking like a wow. Strawberry juice. ओ दीदी थोड़ा सा गिर गया। मम्मू को भी एक छोटा सा पीस ट्राई करवाते हैं। रोटी में नमक थोड़ा कम है, लेकिन कोई बात नहीं, चलता चलता। गुड गुड गुड। बाय द वे अभी अबे मंगमंग को बाहर घुमाने लेने जा रहा है। बाय मंगमंग, हैव अ गुड टाइम। क्योंकि आज छोटी दिवाली है ना, तो उसके लिए मैं कुछ इंडियन पिंक कलर के कपड़े पहनूंगी, टिप टॉप होकर मैं 250 जाऊंगी, क्योंकि मुझे कुछ कैंडल्स और कुछ छोटे मोटे डेकोरेशन चाहिए। तो मैं आपको थोड़ी देर बाद में मिलती हूँ गाइस। अभी हम रेडी हो गए 250 जाने के लिए। आज मैंने ये देसी व्हाइट पैंट्स और ये पिंक कुर्ती पहन रखी है। मैंने यहाँ पर पिंक कलर की नेकलेस पहन रखी है। ये रही मेरी इयररिंग। 250 जाने से पहले थोड़ा बहुत डिनर कर लेते हैं, तो अभी हम आए हैं 7-Eleven कन्वीनियंस स्टोर में। अभी ने ये वाले नूडल्स लिए हैं, और मैं ये पिंक वाले लेती हूँ, ये पिंक कलर की ड्रिंक लेते हैं, और ये पिंक कलर की जेली। वो लेडी बहुत ही स्वीट, उन्होंने बोला कि आप बहुत सुंदर लग रहे हो। अभी हम जल्दी से ये पिंक नूडल्स बनाते हैं। ये वाले नूडल्स सभी के फेवरेट हैं। इसमें कितनी सारी लाल मिर्ची है। गाइस मैं नूडल्स की तैयारी कर रही थी, और बाहर देखो स्नो आने लग गई। अभी बाहर से दिखाती हूँ। गाइस
कोरिया की फर्स्ट एवर इस साल की स्नो, दिवाली का चमत्कार हो गया ये तो। बाहर जाके बर्फ में मेरे बाल पूरे गीले हो गए, तो मेरे पास एक ट्रिक है इन रामेन को पिंक बनाने के लिए। तो हम क्या करेंगे कि ये जो रेड पेपर है ना वो थोड़ा सा डालेंगे और उसके ऊपर ये चीज़ डालेंगे, तो जब उनको मिक्स करेंगे ना तो रेड कम और थोड़ा पिंकिश हो जाएगा। पिंक कलर तो बिल्कुल भी नहीं आया, फेल हो गया। ये मैंने कैसे खोला इसको? Try it. Da, 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 da. पीच की खुशबू है। ग्रीन लाइट हो गई। अभी मैं थाईसो में आ चुकी हूँ। यहाँ पर ऑलरेडी जैसे कि आप देख सकते हैं क्रिसमस के डेकोरेशन लगने लग गए। यहाँ से हम कुछ डेकोरेशन लेते हैं। वन मोर, ये क्यूट से पिंक वाले भी हार्ट ले लेते हैं और इनको फुलाने के लिए ये वाला ले लेते हैं पिंक कलर का। दिवाली का मेन चीज़ होता है दिया, लेकिन यहाँ पे कोरिया में दिया नहीं मिलते, तो हम जो पिंक कैंडल्स होंगी ना वो छोटी वाली कैंडल्स वो लेते हैं। अभी छोटी दिवाली के लिए हम घर सजाते हैं, तो अगर आप अपनी फैमिली के साथ हो ना तो आप बहुत 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 लकी हो। ये रही लाइट्स। ओके चल गए। मम्मा ये खाने का नहीं है। सो गाइस घर का डेकोरेशन, छोटा मोटा डेकोरेशन हो गया है छोटी दिवाली के लिए। और अभी मैं आपको एक क्विक हाउस टूर देती हूँ। यहाँ पर रही एंट्रेंस, ये रही कैंडल्स, और यहाँ पर हमने बाथरूम में भी यहाँ पर साइड में लगा दी है। यहाँ पर रहा अबे का रूम, यहाँ पर अबे ने सिर्फ ये वाली कैंडल्स लगाई है। अबे के रूम के बाद में यहाँ पर रहा मंदिर, और यहाँ पर रहा मेरा रूम, और उसके बाद में यहाँ पर रहा किचन। हमने ऐसी पूरी कैंडल्स लगा दी है, सो किचन ऐसी लग रही है। और यहाँ पर रहा सोफ़ा, जो बलून्स में लेकर आई थी वो मैंने ऐसे लगा दिए। सो गाइस आज के सिर्फ इतना ही। होप कि आपको आज का भी ये अजीब गरीब ब्लॉग पसंद आया होगा। आई एम रियली सॉरी अगेन कि मैंने इतने दिनों बाद में अपलोड करा, और जो मेरा नेक्स्ट वीडियो ना वो 2-3 दिन बाद में आने वाला है, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं हफ्ते में 2 व्लॉग्स डालने की कोशिश करूंगी। पता नहीं मंगमंग को क्या दुश्मनी है मेरी चप्पल से, कैमरा देखते ही तो उतर गया। हाँ, और ये वाला व्लॉग दिवाली के बाद में आएगा। सो आई होप कि आपकी दिवाली अच्छी गई होगी, और आपको भी मेरी तरफ से बहुत 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 हैप्पी दिवाली। प्लीज खुश रहना, हैप्पी रहना। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो, स्ट्रगल्स हो, जो भी आपकी टेंशन हो ना, आई होप कि वो धीरे धीरे खत्म हो जाए। मैं आपको जल्दी से मिलती हूँ 2-3 दिन बाद में। एंड आई लव यू सो मच, आपको अंदाजा नहीं कि मैं आपको कितना 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 आपको कितना प्यार करती हूँ। बाय बाय। ओ बाय बोल दे मम्मी।